कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों के हत्याकांड को अंजाम देने वाला विकास दुबे उज्जैन से कानपुर लाते वक्त पुलिस एनकाउंटर में मारा गया और उसकी मौत के साथ कुछ ऐसे राज दफन हो गए जो शायद कभी न सामने आ पाए। मैं विकास दुबे कानपुर वाला। आप अंदाजा लगाइए, विकास दुबे जो सिर्फ एक बैग के साथ 7 दिनों से यूपी की 50 टीमों को चकमा देता रहा, क्या बिना किसी रसूख के, बिना किसी बड़ी जान पहचान के, बिना किसी गाड़ी, रुपए और जरूरी सामान के उसका इतने दिन तक छिपाना मुमकिन था? लेकिन वो कोई आम अपराधी नहीं था जो अपराध को अंजाम देने के बाद बच नहीं पाते, बल्कि वो तो इतने गंभीर अपराध को अंजाम देने के बाद भी पुलिस के हाथ से बचता रहा। 5 लाख का इनाम होने के बाद भी वो तब पकड़ा गया जब उसकी इच्छा हुई, उसने आत्मसमर्पण किया। विकास दुबे वो अपराधी था जिसने बीजेपी के पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला समेत कई हत्याएं खुलेआम की, लेकिन उसको कोई छू भी नहीं पाया। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि विकास दुबे को राजनीति के अपराधीकरण के कई राज पता थे, इसी सरपरस्ती में वो अब तक बचता चला आ रहा था। लेकिन जब उज्जैन के महाकाल मंदिर में उसने सरेंडर कर दिया, उसके बाद कई नेताओं, कई सफेदपोशों को अपने कमीज पर लगे दाग फिर से दिखाई देने लगे और वो नहीं चाहते थे कि उनसे जुड़ा कोई भी राज विकास दुबे उजागर करे। शायद यही वजह रही जो विकास दुबे ज्यादा कुछ उगलने से पहले ही मार दिया गया। एनकाउंटर के बाद से इनकार नहीं किया जा सकता। खबरों के मुताबिक पुलिस से बचकर उसने भागने की कोशिश की, तब पुलिस ने उसे एनकाउंटर में मार गिराया। लेकिन विकास दुबे की मौत के साथ सिर्फ विकास दुबे से ही जुड़े नहीं, बल्कि राजनीति में अपनी अच्छी पैठ रखने वाले कई बाशिंदे भी बेपर्दा होने से बच गए। कहा जाता है कि विकास ने इतने जघन्य अपराधों को अंजाम दिया, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल पाता था। अगर किसी तरह सबूत मिल भी जाए तो वो अपनी पकड़ से अपना नाम केस डायरी से हटवा लेता था। अब सवाल ये कि क्या विकास दुबे को संरक्षण मिल रहा था? क्या विकास दुबे को वो पुलिस वाले ही संरक्षण दे रहे थे जिनके साथियों को उसने मार गिराया? या फिर किन सत्ताधारियों की वजह से अभी तक बचता आ रहा था विकास दुबे? किनकी मदद की वजह से पुलिस उसको छूट भी नहीं पा रही थी? ऐसे कई सवाल हैं जो हमारे जहन में बार बार आएंगे, लेकिन जवाब शायद न मिल पाए, क्योंकि जिस मुंह से ये राज उगले जाने थे वो एनकाउंटर में बंद करवा दिया गया। एनकाउंटर में यूपी एसटीएफ ने कुख्यात अपराधी विकास दुबे को मार गिराया। ब्रेकिंग न्यूज के लिए न्यूज ऑनलाइन के बेल आइकन को दबाएं।